सो हेलो गाइस, हेलो हाय दुआ सलाम। मैं आपका दोस्त रोहन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज है 27 नवंबर और आज बेसिकली मैं निकल रहा हूँ बस्ती के लिए, जो मेरा 1 day 5 या 6 hours का ड्राइविंग होगा। टोटल डिस्टेंस है 1565 किलोमीटर्स गूगल मैप्स पे, और आप देख सकते हो गाड़ी पूरी रेडी है, सेट है, और अभी हो रहा है 5:55, तो ऑलमोस्ट 6 बजे तक हम निकल जाएंगे। सो लेट्स होप फॉर द गुड। और हाँ, ये पहला मेरा ट्रैवलिंग वीडियो है, सो थोड़ा लंबा आएगा, सो प्लीज़ ये वीडियो देखने के पहले मैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, उस बेल के बटन को दबाना मत भूलना। चलो, तो मैंने ट्रिप ए को 0 पे सेट कर लिया है, सो अब देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है यूपी पहुंचने के लिए। वो क्या, भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सो जीपीएस के हिसाब से दिख रहा है कि नहीं मोबाइल, सो जीपीएस के हिसाब से 1 दिन 5 घंटे का ड्राइव है, अगर आप लोग देख सकते हो तो दिखेगा आपको। सो 1 घंटा 1 day 5 hours का ड्राइविंग है, तो चलो आपको रोड पे मिलता हूँ। चले चलो चलते आई देख आगे। 6 बज गए ऑफिशियली, हम लोग जर्नी स्टार्ट कर दिया 6 बजे। फर्स्ट टोल ऑफ द डे, फर्स्ट टोल, पहला टोल मेरे को सामने। दो मिनट से ज्यादा हो गया, येलो लाइन मी टोल नहीं देना। येलो लाइन से आतमध्ये येऊन उभा राहिला, 2 मिनिटापेक्षा जास्त झालंय। येलो लाइन से आतमध्ये येऊन उभा आहे, तुम्ही केवढा टाइम लागला मी टोल नाही देणार, रूल आहे। कॉपरेटचा नाही, सुट्टे नाही, ते तुमची चुकी आहे, तुम्ही त्याला साईड मध्ये, मी नाही देणार टोल, मी नाही, मला नाही, मी नाही देणार, चालेल मला काय नाही।
सो बेसिकली ये है कार, अभी खड़ी है यहाँ पर, और अभी हम लोग ने कसारा घाट क्रॉस किया, एक मंदिर में खड़े, घाटन देवी मंदिर, और हम लोग ऑफिशियली सुबह 6 बजे निकले थे और अभी 8:30 हो रहा है, और अभी तक हम लोग ने 104-105 किलोमीटर कवर किया है। यार सच बताओ तो जीजू ट्रैफिक बहुत है ना, बहुत ट्रैफिक है, मजा आया लेकिन बाद में गाड़ी पे लगेज देखो तुम, इस गाड़ी तो फुल है ही, और वही चलो फिर भी अच्छा है, 105 किलोमीटर हम लोग ने अभी तक कवर किया है। सो अभी आपको मिलता हूँ गाड़ी के अंदर वापस, भैया के लिए चिल्लाते सिल्की सिल्कू, चलो अभी निकलते हैं, रास्ते में मिलता आगे आपको सभी। अभी टाइम हो रहा है 10:20 और अभी हम लोग धूले से 120 किलोमीटर पहले हैं, चाय पीने के लिए रुके हैं, और ये गाड़ी है एक्चुअली बोला है तो बहुत गर्मी है और बहुत गंदी वाली धूप है, तो चाय पीता हूँ और आपको मिलता हूँ बाद में। पहला टोल गेट है धूले क्रॉस करने के बाद, सो इट्स अ 6th वन, और देखते हैं थोड़ी देर बाद में महाराष्ट्र महाराष्ट्र एमपी का बॉर्डर। सो बेसिकली अभी हम लोग एमपी जो रियल एमपी जो स्टार्ट हुआ था वो तो टोल प्लाजा था, एक्चुअली मैं अभी एमपी बॉर्डर स्टार्ट आएगा आगे, यहाँ एमपी बॉर्डर है 50 किलोमीटर दूर, सो हम लोग अभी रिफ्यूल कराने के रुके थे। सच बताओ तो बहुत गर्मी है, बहुत मतलब, और अभी हम लोग कहाँ शेरपुर कोई तो जगह का नाम है वहाँ पर है, पेट्रोल भरा रहे, और टायर का टेंशन ही है क्योंकि मैंने कल ही टायर में नाइट्रोजन डाल लिए थे, और हम लोग ने 7 आवर्स में 365 किलोमीटर्स गाड़ी चलाया है अभी तक। इंदौर है यहाँ से 220 किलोमीटर्स मोर, तो चलो आपको गाड़ी में मिलता है, होप आप लोग एंजॉय करो, गर्मी करो, बहुत बेकार आ लेते हैं। चेक पॉइंट ऑफ महाराष्ट्र और एमपी का चेक पॉइंट है बॉर्डर।
यार क्या गर्मी है, सीरियसली बहुत बेकार गर्मी है। और अभी मैं इंदौर से 30 किलोमीटर पहले हूँ, चाय पीने के लिए रुका हूँ। चाय पीऊंगा फिर उसके बाद एक माउंटेन ड्यू लूंगा, थोड़ा नींद आ रहा है। और बेसिकली मैंने अभी 10 घंटे में गाड़ी 530 किलोमीटर चला ली है, थोड़ा लेट निकलने पे हुआ था। तो अभी मैं चाय पीता हूँ, निकलता और अच्छा ऐसा आ जाता नाइट ड्राइविंग करनी पड़ेगी, देखते हैं यार, लेट्स होप फॉर दी गुड। चलो अभी चाय पीता हूँ फिलहाल, बाद में आपको मिलता हूँ। तो अभी बेसिकली रेडबुल पी रहा हूँ, बहुत थक गया था एक्चुअली, बहुत नींद आ रही थी। रेडबुल इसके लिए पी रहा हूँ क्योंकि इसमें हाई कैफीन होता है, इससे नींद नहीं आती, रात को सो नहीं पाता एक्चुअली, 3 घंटा सोया था, कोई टेंशन था इसके लिए। सो अभी रेडबुल पीता हूँ और ये कुछ ये खा के निकलता हूँ, आपको मिलता हूँ रोड पे। ज़रा ये रस्से उससे चेक कर लूँ, 500 किलोमीटर से गाड़ी ज़्यादा चल गया ना, सो ये सब चेक करना चाहिए वरना कभी गिर उड़ गया तो मालूम नहीं पड़ेगा। बेसिकली चेक करने के लिए ये देखने का कि ढीला तो नहीं हुआ है, और ये सब जो गार्ड और जो बांधा है सब निकला तो नहीं है बस, और कोई हार्ड प्रोसीजर नहीं है। सो मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप कोई भी लंबे जर्नी में जा रहे हो ना तो ये सब चेक करना चाहिए। अच्छा सर्कल घुमा के राइट है, सर्कल घुमा के राइट है, ऑन कर दिया है ना। अभी राइट शिवपुरी जाने के लिए, शिवपुरी, हाँ शिवपुरी जाने के लिए सर्कल से राइट स्ट्रेट है। लेकिन हम अच्छा इंदौर आगरा राइट, राइट राइट बाईपास है ना, ये बाईपास ये सिटी में जाता है, सिटी ये स्ट्रेट जाएगा सिटी में, बाईपास सीधा जाना अपने को भोपाल 203 किलोमीटर उज्जैन 78। हेलमेट के बिना हेलमेट के बोर्ड दिख रहा है क्या, बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, एक काम कर भोपाल 203 वो सामने ग्रीन बोर्ड दिख रहा है ना, हाँ ग्रीन बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट कर, देवास हाँ उस पर क्लिक कर दे, देवास 51 किलोमीटर ना स्ट्रेट जाना, देवास 51 भोपाल 205 551 इस पे दिखा रहा है ना, हो रहा है ना वो रोड पे दिखा रहा है देवास। बेसिकली अभी टाइम हो रहा है 8:40 और यहाँ से गुना है 150 किलोमीटर। तो आओ दिखाता हूँ, पास में आ जाओ आसान को। अभी ये सब लाइट गंदा हो चुका है, इसको थोड़ा साफ कर ले, इससे क्या रात पूरा विजिबिलिटी साफ से आएगा। सो मैं अभी ये सब कांच लाइट ये फॉग लाइट ये कांच सब क्लीन कर लेता हूँ क्योंकि रात को ड्राइव करना है, तो इनसे के सब आते मतलब उतना पावर मिलता नहीं है। और एक्चुअली अभी दिखाने के लिए कुछ है नहीं ज़्यादा क्योंकि अंधेरा हो चुका है। सो मैं आपको अगर रात को मैं कहा चाहे एक्चुअली मेरे पूरा रात भर ड्राइव करना है, मुझे और 900 किलोमीटर जाने हैं, सो अभी मैं रात भर ड्राइव करूँगा। और एक्चुअली कुछ है नहीं, अगर मुझे रास्ते में कुछ खास मिलता है दिखाने के लिए तो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलो तब तक के लिए आप लोगों से मैं थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक लेता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है मुझे रात को तो मैं आपको दिखाता हूँ। We'll be right back.
बेसिकली अभी मैं शिवपुरी से 10 किलोमीटर पहले हूँ। ये भारत पेट्रोलियम का एक पेट्रोल पंप है। अभी यहाँ से आगे ब्रिज आएगा, वहाँ से राइट मार रहे हैं झांसी के लिए। और अभी टाइम हो रहा है 1:10 और अभी तक मैंने सुबह 6 बजे से स्टार्ट किया ड्राइव करना, तो अभी तक मैंने 957 किलोमीटर्स ड्राइव कर लिया। और अभी आधे घंटे का थोड़ा ब्रेक लिया है, थोड़ा पावर नैप लेते हैं। सभी थक गए, मेरे जीजू भी बैठे, सब थक गया ऑलमोस्ट। तो मैं थोड़ा पावर नैप ले लेता हूँ आधे घंटे का, उससे ज़्यादा नहीं, और फिर कंटिन्यू करते क्योंकि रोड्स बेस्ट है, ऑसम है। बट हाँ, थोड़ा इलेक्शन का टाइम है, थोड़ा चेकिंग वोकिंग हो रहा है, बट चलते हैं, वो तो हमारी सेफ्टी के लिए ही है। सो अभी आधा घंटा रुकता हूँ और आप लोगों को बाद में मिलता हूँ। सो अभी टाइम हो रहा है 1:45 और हम लोग ने रेस्ट ले लिया है। अभी निकल रहा हूँ, मैं टोटली फ्रेश फील कर रहा हूँ। पावर नैप ले लिया मैंने और गूगल मैप के हिसाब से और 11 घंटा लगेगा पहुँचने के लिए। सो मैं आपको मिलता हूँ। Hi friends, finally in a single day we have made it to UP from Mumbai within 21 hours, all thanks to Rohan. We have very wonderful journey. 20 hours actually, it's 3:10. We can assume as a 21 because it's 3:10, no? So see the toll, no one is there in the toll, I believe. Yeah, the man is just coming from far side. Okay. All thanks to Rohan. You did an awesome job, Rohan. Thank you. God bless you. Thank you so much. And we have a very safe ride and still 500 kilometers to go, I believe. Yeah. Okay. See you. Okay. और गाड़ी वहाँ खड़ी है। अभी हम लोग ओरई में और हालत देखो, रात भर ड्राइव किया हूँ। अभी यहाँ से कानपुर है 200 किलोमीटर और लखनऊ है 300। सो एस्टिमेटेड टाइमिंग है 2 बजे के आसपास हम बस्ती पहुँच जाएंगे। जीजू सर सच बताओ, नींद आ रही है कि नहीं? बहुत ज़्यादा बहुत टायर्ड है हम लोग, लेकिन एंजॉयमेंट का बात आ रहा है, कुछ अलग है। सो ये अभी देखते हैं, सब टायर्ड है, चाय पीते हैं फिर निकलते हैं, देखते हैं। अभी हाईवे से है पूरा, चलो मिलते हैं। जय हिंद। बेसिकली अभी मैं लखनऊ से 60-70 किलोमीटर्स पहले हूँ, ब्रेकफास्ट करने के लिए रुका हूँ। फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आपको मिलता हूँ ऑफिस। पब्लिक मिरर्स यूज ही नहीं करते, साइड मिरर्स कुछ भी नहीं। देखो आगे सफारी का, ये स्कॉर्पियो का, उसका सब लेफ्ट मिरर सब बंद है। बंद किया इसके आगे एक एटियोस गया था, एटियोस उसका भी मिरर्स बंद है। लेफ्ट साइड से कोई चांप दिया है उसका, ऐसा लग रहा है। बोलो ना, उसका पूरा मिरर से बंद है और बीच में से देखने का चांस ही नहीं। उसने बीच वाले कैमरा में ये लगाया है, मतलब ये बंदा मिरर्स यूज ही नहीं करता। सबका मिरर्स बंद ही, रुक अभी आएगा, अभी आएगा। ऐसे चलाते ये भी गया, इसका भी मिरर बंद लेफ्ट का। अभी एक जाएगा उसका भी।
सो फाइनली अभी टाइम हो रहा है 4:55 और मैं 4:45 तक मेरे घर पे पहुंच गया था। और ये थोड़े छोटे क्लिप्स मेरे गांव के साहब और ये सब छोटे छोटे बच्चे। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा मेरा पहला ट्रैवलिंग ब्लॉग, हाँ थोड़ा बड़ा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। और ये है मेरा गांव, इसका एक ही पार्ट आएगा फिलहाल। प्लीज़ बेल के बटन का मत भूलना और लाइक कर देना।